वहीं राजधानी देहरादून में होली से ठीक 5 दिन बाद शुरू होने वाला झंडेजी मेला का शनिवार को शुभारंभ हो चुका है। बता दें कि 15 दिवसीय झंडे मेले का आज शाम 4 बजे अवरोहण किया गया। इस दौरान लाखों की तादाद में श्रद्धालु ने जय जयकार के नारे लगाए। वहीं महाराज देवेंद्र दास ने बताया कि आज श्री गुरु राम राय जी महाराज का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही झंडा जी का आरोहण किया जाता है। दूर दूर से सांगते झंडे जी का आरोहण करने के लिए पहुंचती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सप्तमी को पूरे नगर की परिक्रमा की जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन को पत्र भी लिख दिया गया है। आज राम राय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ हमने आस्था के साथ मनाया। श्री गुरु राम राय जी महाराज सिखों के सातवें गुरु श्री हर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और सन 1676 में उन घाटी में आ रहे थे। यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा डाला। उनके डेरा डालने से श्री महाराज जी जो है महाराज जी बहुत चमत्कारिक सिद्धों से युक्त महापुरुष थे और उन्होंने उस समय जब औरंगजेब उनका बादशाह था तो वहाँ पे कई चमत्कार दिखे और औरंगजेब उनके चमत्कारों से बहुत प्रभावित हुए और उनको हिंदू भी और तामिल फकीर की उपाधि दी। और जब ये बात जो है यहाँ के जो राजा उस समय हिंदुस्तान में छोटे छोटे रियासतों को बनाया की रियासत के राजा पत्नी से तो उनको हुक्म जारी किया महाराज का सरकार और उनको सात गाँव जाके तब से जो है संगत है उनके जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।